तहसील अंतर्गत बहने वाली कन्हा नदी के घाटों से अवैध रूप से रेत उत्खनन के लिए कुख्यात तहसील के रामचोंगरी रेती घाट में मंगलवार की सुबह राजस्व पुलिस व वन विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई प्राप्त जानकारी के अनुसार खापा के कुछ रेत व्यवसाय से जुड़े युवकों द्वारा संगठित होकर अवैध रूप से चलाए जा रहे राम डोंगरी रेत घाट से रोजाना बड़े पैमाने में रेती का अवैध उत्खनन व परिवहन किए जाने की जानकारी सावनेर के तहसीलदार प्रताप वाघमारे को मिली जिसके आधार पर उन्होंने सावनेर केलवत पुलिस व वन परिक्षेत्र कार्यालय खापा के अधिकारियों की सहायता से मंगलवार की सुबह इस घाट पर दबिश दी उक्त राम डोंगरी घाट मुख्य मार्ग से करीब तीन किलोमीटर दूर होने से अधिकारियों के आने की भनक माफियाओं को लग गई थी जिससे वाहनों को घटनास्थल से भगाने का प्रयास किया गया लेकिन अधिकारियों ने सक्रियता दिखाते हुए एक ट्रक को मार्ग पर रोक उससे बाकी वाहनों को भागने से रोका जानकारी के अनुसार कार्रवाई के डर से वाहन चालक व वा, अन्य लोग वाहनों को लॉक कर जंगल में भाग गए इस कार्रवाई में करीब एक दर्जन वाहनों को पकड़ा गया ऐसी चर्चा है जानकारी के के अनुसार इन वाहनों में रेत भरने लिए उपयोग में लाई जा रही पोगलेन मशीन खापा के एक राजनीतिक पक्ष के नेता की थी कार्रवाई की भनक लगते ही उसने अपनी मशीने मैगजीन खान के मार्ग से बाहर निकाल दी जिससे वह कार्रवाई से बच गया कुछ ट्रकों को जंगल में छिपाए जाने की जान जानकारी तहसीलदार प्रताप वाघमारे को मिलने से दिनभर भर राम डोंगरी के जंगल व वन विभाग की नर्सरी में जांच अभियान चलाया गया जिसमें भी कुछ ट्रक बरामद हुए जिला प्रशासन के आदेश पर जगह जगह बनाई गई जांच चौकियों के होते हुए भी खापर क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने में रेत का अवैध परिवहन किए जाने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल निर्माण करता है रोजाना खापा पुलिस थाने के सामने से इन वाहनों द्वारा रेत का अवैध परिवहन चलता था इसके बावजूद भी कभी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की चर्चा का विषय है इस और भी जिला प्रशासन ने विशेष लक्ष्य देकर खापा पुलिस की चुप्पी और नजरअंदाज के पीछे का राज खोजने की आवश्यकता है विदित हो कि दो दिन पूर्व खापा क्षेत्र के शिवधाम रीति घाट पर राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई कर सत्ताईस लोगों पर खापा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया साथ ही सामनेर के युवाओं द्वारा कई दिनों से करजघाट रेती घाट में चलाए जा रहे रेत के अवैध उत्खनन पर भी कार्रवाई की गई। लगातार जारी इन कार्रवाइयों से एक और जहां रेत तस्करों में भय व्याप्त है वहीं कुछ रेत माफिया भूमिगत होने की भी चर्चा क्षेत्र में है देर रात तक कार्रवाई जारी होने से खबर लिखे जाने तक प्रशासन द्वारा कार्रवाई की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गयी माननीय जिलाधिकारी नागपुर डॉक्टर विपिन इटनकर उप विभागीय अधिकारी अतुल मेहत्र के मार्गदर्शन और सामने तहसीलदार प्रताप वाघमारे के नेतृत्व में नायब तहसीलदार संदीप डाबेराब मंडल अधिकारी राजेश वघारे लिपिक अमूल देशमुख खापा वन परिक्षेत्र अधिकारी कर्मचारी सामनेर और केलवत पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर्मचारी ने उक्त कार्रवाई में भाग लिया कन्हहान नदी के रेती घाटों पर राजस्व विभाग सावनेर की नियमित कार्रवाई के बाद भी रेती चोर अपने चोरी की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं वहीं ऐसे ही नियमित कार्रवाई कर रेती चोरों पर नकेल कसने की बात सामने तहसीलदार प्रताप वाघमारे ने कही एन बी न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट